गॉडस यार, लास्ट वीडियो के अंदर हमने देखा था कि व्हाइल लूप क्या होता है पाइथन के अंदर, और इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि यार फंक्शंस क्या होते हैं पाइथन के अंदर। और यार ये काफी इंपॉर्टेंट एक क्या कहते हैं समझ लो, एक काफी इंपॉर्टेंट फीचर कह लो या काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है एक पाइथन का, जो आपको समझना बहुत जरूरी है। और यार मैं आपको एक और बात बताऊं कि यार मैं ये जो मेरी वीडियो है ना, ये मेरा एक पाइथन के मतलब पाइथन के कोर्स का पार्ट है। मतलब मैंने एक पूरा का पूरा पाइथन का कोर्स बनाया हुआ अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर। अगर आप मेरे प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पे जाओगे तो आपको यहाँ पर पाइथन ट्यूटोरियल फॉर बिगिनर्स ये मिल जाएगा, और इसे मैं ओपन कर लेता हूँ, आप देख सकते हो। इसमें बंद करता हूं तो आप देख सकते हैं पूरी की पूरी प्लेलिस्ट है, जो क्या कहते हैं यार मतलब प्लेलिस्ट रहने तो इसे प्लेलिस्ट मत कहो, ये एक पूरा का पूरा कोर्स है जिसके अंदर मैं आपको पाइथन सिखाऊंगा बिगिनर से एडवांस लेवल तक। अभी तक अगर आपने इस प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया तो कर लो यार, और यार देखो यार, और मतलब यार काफी सारी इसके अंदर मैंने वीडियोस डाली, और चलते हैं अपने वीएस को राइटर के अंदर और देखते हैं फंक्शंस क्या होते हैं पाइथन के अंदर। तो गाइस सर, मैं आगे अपने वीएस को राइटर के अंदर, और यहां पर मैं क्या करूंगा, सिंपली एक फाइल बनाऊंगा जिसका नाम मैं रखूंगा हैशटैग, और ये कौन सी हमारी 22 #22, और ये क्या कहते हैं इसका यार मैं तो भूल गया, सॉरी functions.py। और यार सॉरी यार, लास्ट वीडियो के अंदर हमने व्हाइल लूप नहीं देखा था, लास्ट वीडियो के अंदर हमने ब्रेक एंड कंटिन्यू देखा था। और यार ये हुआ क्या है कि मैंने ब्रेक एंड कंटिन्यू की अभी तक वीडियो नहीं डाली, तो यहाँ पर मैं कंफ्यूज हो गया था। तो लास्ट वीडियो के अंदर हमने ब्रेक एंड कंटिन्यू देखा था क्योंकि वही हमारी लास्ट फाइल बनी हुई थी। तो सॉरी यार, लास्ट वीडियो के अंदर हमने ब्रेक एंड कंटिन्यू देखा था और मैंने काफी अच्छे से समझाया था। तो अब यार फंक्शन देखते हैं, फंक्शन क्या होते हैं पाइथन के अंदर। तो यार फंक्शंस होते क्या है, तो यार फंक्शन से ही पता लग रहा है कि कुछ मतलब फंक्शन होगा, कुछ वो काम करेंगे। तो यार देखो, अब पाइथन के अंदर कुछ ऐसा भी आपको काम पड़ सकता है जो आपको हजार बार करना पड़ जाए। मतलब ऐसा हो सकता है कि जैसे आप समझ सकते हो कि आपको कहीं से डाटा फेच करना है और आपको उसे उसके ऊपर कुछ प्रोसेस करना है। मतलब आपको डाटा मतलब डाटा फेच करना है कहीं से और उसे कुछ प्रोसेस करना है, और आपको कुछ कुछ टाइम के बाद पाइथन के अंदर कुछ आप ऐसा कोड लिख रहे हो कि आपको बार बार उसे फेच करना पड़ रहा है। मतलब उस क्या कहते हैं डाटा को आपको फेच करना पड़ रहा जा रहा है। तो यार उस चक्कर में आप क्या करोगे, अब आप जैसे एक आप समझ लो कि जो डाटा फेच करना है उसे फेच करने के लिए आपको पांच आपने पाइथन की कोड लिखा, पांच लाइन का पाइथन का कोड लिखा। अब यार जब भी आपको क्या कहते फेच करना है डाटा, तो आप फिर से वो पांच लाइन ऑफ पाइथन कोड लिखोगे, मतलब फाइव लाइन ऑफ पाइथन कोड क्या आप दोबारा लिखोगे, क्या वो कोड आप दोबारा लिखते जाओगे? अगर आपने हजार बार अपने पाइथन के मतलब जो भी आप अगर पाइथन के अंदर जो भी आप सॉफ्टवेयर बना रहे हो उसके अंदर आपको हजार बार उसे क्या कहते हैं यार फेच करना है, और मतलब समझ लो अलग अलग डाटा आपको फेच करना है। आप ऐसे समझ लो आपको अलग अलग डाटा फेच करना है, तो यार आप क्या करोगे, मतलब फिर से जितनी भी कोड है वो दोबारा लिखते जाओगे? नहीं, हम यार अच्छे डेवलपर है, हम ऐसा नहीं करेंगे, हम एक फंक्शन बना लेंगे जो क्या करेगा, हम उससे फंक्शन को बता देंगे कि यार तूने ये डाटा फेच करना है तो तू ये डाटा फेच कर और ये डाटा हमें दे दे। तो मतलब यार फंक्शन का कुछ ऐसा ही कंसेप्ट होता है। मतलब अगर मुझे कोई काम बार बार करना है अपने पाइथन कोड के अंदर, तो मैं क्या कर सकता हूँ, कुछ फंक्शन बना सकता हूँ। वो फंक्शन क्या करेंगे, वो फंक्शन कुछ काम करेंगे। अब वो फंक्शन कुछ भी काम कर सकते हैं, ये नहीं कि अकेला वो डाटा फेच कर सकते, वो फंक्शन कुछ भी काम कर सकते हैं। वो फंक्शन दो नंबर को ऐड कर सकते हैं, वो फंक्शन दो नंबर को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, वो फंक्शन कुछ भी कर सकते हैं। मतलब हम हर एक चीज के लिए कुछ ना कुछ फंक्शन बना सकते हैं पाइथन के अंदर। तो यार फंक्शन कैसे बताते हैं हम पाइथन के अंदर, उसके लिए हमारे पास एक स्पेशल कीवर्ड है जिसका नाम है डेफ। तो आपने यहाँ पर डेफ लिखना है, उसके बाद आपके जो भी फंक्शन का नेम है वो, तो यहाँ पर मैं दे दूंगा फंक्शन नेम को फंक्शन नेम, और उसके बाद आपको क्या करना है, आपको आपका जो भी फंक्शन है मतलब वो डिफाइन करना है। तो यहाँ पर आपको ये भी देना होगा, क्या कहते हैं ये सर्कल ब्रैकेट्स भी आपको देना पड़ेगा, और उसके बाद जैसे कोलन देखिए, आपको इस फंक्शन के अंदर जो भी आप कोड लिखोगे वो आपका इस फंक्शन वाला कोड होगा। और यार ये फंक्शन वाला कोड जो हम यहाँ पर लिखेंगे, जो ये कोड लिखेंगे फंक्शन वाला कोड, ये कोड तभी रन होगा जब हम इसे बुलाएंगे। मतलब ये कोड तभी रन होगा जब हम इसे पाइथन के अंदर कॉल करेंगे। मतलब अगर आप ऐसे समझ रहे थे कि हम एक जगह पे बैठे हुए हैं, अब मैं जब आपको बुलाऊंगा आप तभी मेरे पास आओगे, अब जब मैं आपको नहीं बुलाऊंगा आप तब नहीं आओगे मेरे पास। वैसे जब हम फंक्शन को कॉल करेंगे जब तभी फंक्शन कॉल होगा, वैसे फंक्शन ऐसे कॉल नहीं होने वाला है, ठीक है। यहाँ पर मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैं लिखूंगा फंक्शन के अंदर, फंक्शन नेम के अंदर, अभी ये फंक्शन क्या करेगा, प्लस प्रिंट करेगा फंक्शन हूं मैं, ये क्या प्रिंट करेगा, सिंपली ये प्रिंट करेगा फंक्शन हूं मैं। तो अब यार ये था कि हम फंक्शन कैसे क्रिएट कर सकते हैं, क्रिएटिंग फंक्शंस, जब मैं कहता हूँ क्रिएटिंग फंक्शन। अब यार कॉलिंग फंक्शन, अब फंक्शन को कॉल कैसे करना है, तो फंक्शन को कॉल कैसे करना है, सिंपली फंक्शन का नाम लिखो,
जो भी आपके फंक्शन का नाम है वो, और ये सर्कल ब्रैकेट्स दे दो, और जब आप ऐसा करते हो किसी भी फंक्शन का नाम लिखते तो वो आपका फंक्शन क्या कहते हैं उस फंक्शन का कोड रन हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ अभी एक और चीज, तो इसे मैं अभी रन करता हूँ, तो यहाँ पर आ गया फंक्शन हूं मैं। तो अभी देखो यहाँ पर आया फंक्शन हूं मैं जब मैंने इसे कॉल किया। अब जब मैं इसे कमेंट कर दूंगा, अगर ऐसा करता हूँ कमेंट रह देता, तो इसे मैं इरेज कर देता हूँ, यहाँ पर मैं इसे कट कर देता हूँ, अब सेव करता हूँ, तो देखना अब कुछ नहीं होगा, मेरा फंक्शन रन ही नहीं हुआ, बस मैंने यहाँ पर फंक्शन बनाया है। तो पाइथन क्या करता है, वो कहता है फंक्शन बना, इसे कॉल नहीं हुआ, जब हम फंक्शन कॉल करेंगे तब भी ये फंक्शन वाला कोड रन होगा। तब अब मैं फिर से कॉल करता हूँ, तो देखो अब मेरे फंक्शन का कोड रन हुआ, तो यहाँ पर आ रहा है फंक्शन हूँ मैं। तो ये कुछ भी कर सकता है यहाँ पर, जैसे ये प्रिंट कर रहा है फंक्शन हूँ मैं, तो इसके बाद ये क्या कर सकता है, ये क्या करेगा, तो मतलब मैं ऐसे कर सकता हूँ, मैं कहूंगा a is equals to 5, और मैं दो वेरिएबल्स बना लेता हूँ इसके अंदर, और ये दो वेरिएबल्स को प्रिंट कर देगा, मतलब ऐड करके प्रिंट कर देगा। तो यहाँ पर ये कहेगा ऐसे हम कर देते, ये कहेगा a प्लस बी इक्वल टू, ए प्लस बी इक्वल टू क्या करेगा, ए प्लस बी, सॉरी यहाँ पर मैं कह दूंगा ए प्लस बी नहीं, तो यहाँ पर मैं सीधा, यार मैंने ये गलत कर दिया सॉरी, तो मुझे ऐसे एक्सप्रेशन नहीं लिखना, मैं सिंपली यहाँ पर कह दूंगा ए प्लस बी इक्वल टू, और इसे मैं यहाँ पर इसे एफ स्ट्रिंग कर देता हूँ, और ये फंक्शन हूँ मैं इसे कट कर देता हूँ। तो अब मैं ये फंक्शन को चलाऊंगा, तो आप देखना क्या होगा, तो ये कह रहा है ए प्लस बी इज इक्वल टू 10, क्योंकि क्या कहते हैं ये हमारे ए की वैल्यू 5 है और बी की वैल्यू भी 5 है, तो 5 प्लस 5 10 होता है। तो यहाँ पर इसकी मैं वैल्यू अगर कर दूँ 7, तो 7 प्लस 5 कितना हुआ, 12 हुआ, हमें भी पता है, और 8 प्लस 5 कितना हो गया, 8 प्लस 5 हमारा हो जाएगा 13, ये भी हमें पता है। तो यार देखो फंक्शन कुछ फंक्शन करते हैं, मतलब वो कुछ ऐसा कोड होता है जो तभी रन होता है जब हम उसे कॉल करते हैं। तो ये तो हो गया हमारा एक सिंपल सा फंक्शन जो हमने क्रिएट किया है। अब ऐसा भी हो सकता है कि मेरा फंक्शन कुछ मुझे रिटर्न करे, क्या करे कि मेरा फंक्शन कुछ मुझे रिटर्न करेगा, मतलब मेरा फंक्शन प्रिंट नहीं कर रहा, कुछ रिटर्न कर रहा है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पर देख आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर मैं एक फंक्शन बनाऊंगा, और ये जो ऊपर मैं फंक्शन कॉल कर रहा हूँ इसे रहने दूंगा। तो यहाँ पर मैं कहूंगा रिटर्निंग फंक्शन, फंक्शन यहाँ पर मैं अभी सिंपली एक फंक्शन बनाता हूँ जिसका मैं नाम रखूंगा रिटर्न समथिंग, ऐसे कुछ आप कुछ भी नाम रख सकते हो, और उसके अंदर ये क्या करूंगा, ये रिटर्न करेगा मुझे हेलो वर्ल्ड, यहाँ पर मैं ऐसा कर देता हूँ हेलो माय नेम इज फंक्शन, और अब मैं इसे फंक्शन को क्या कहते हैं कॉल करता हूँ, तो यहाँ पर कहता हूँ रिटर्न समथिंग, और इस फंक्शन को मैंने कॉल किया, मैं आपको दिखाता हूँ, तो देखते हैं कुछ प्रिंट होता है या कुछ प्रिंट नहीं हुआ, पर ये तो कुछ रिटर्न कर रहा है, तो यहाँ पर प्रिंट होना चाहिए था, नहीं यार ऐसा नहीं होगा, ये क्या कर रहा है हमें रिटर्न कर रहा है। तो अगर मैं यहाँ पर अगर ये कुछ वैल्यू रिटर्न कर रहा है तो मैं उसे एक वेरिएबल के अंदर डाल लूंगा, ए से कुछ मैंने ऐसा किया, और मैं प्रिंट करूंगा ए को, और अब मैं क्या कहते हैं रन करूं, तो देखो अब मुझे यहाँ पर आ जाएगा हेलो माय नेम इज फंक्शन। तो रिटर्न समथिंग का मतलब जब हमें कुछ मतलब अगर कोई फंक्शन रिटर्न करते तो उसे कैसे हैंडल करना है वो भी हमने देख लिया। तो ठीक है यार हमने काफी देखे है फंक्शन, अब यार एक और चीज खाता हूँ आपके फंक्शन के बारे में जो मेन चीज होती है, मतलब अभी मैं इसे प्रिंट ए को रह देता हूँ, मतलब हम पैरामीटर्स भी पास कर सकते हैं फंक्शन के अंदर। पैरामीटर्स क्या होते हैं यार, ये किस मतलब क्या नाम है ये पैरामीटर्स, तो पैरामीटर्स ये समझ लो कि हम कुछ डाटा देंगे फंक्शन को और फंक्शन उस डाटा के ऊपर कुछ प्रोसेस करके हमें कुछ रिटर्न कर देगा, ठीक है ओके। तो मतलब अब कुछ डाटा कैसे दे सकते हैं हम फंक्शन को, मतलब अब मैं एक ऐसा फंक्शन बनाना चाहता हूँ जो मेरे से दो नंबर लेगा और उन नंबर को ऐड करके मुझे रिजल्ट वापस देगा, ठीक है, मैं कुछ ऐसा फंक्शन बनाना चाहता हूँ। तो मैं कहूंगा डेफ, और इस फंक्शन का नाम मैं रखूंगा ऐड, इस फंक्शन का नाम क्या रखूंगा ऐड, और ये रिटर्न क्या करेगा, जो मैं इसे कुछ दो नंबर दूंगा उसे ये ऐड करके मुझे वापस कर देगा। तो अब मैंने इसको दो नंबर देने हैं, तो उसके लिए मुझे इस फंक्शन को बताना भी पड़ेगा कि भाई मैं तुझे दो नंबर दूंगा, उसके लिए मुझे यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर ये कर्ली ब्रेसेस के अंदर कुछ पैरामीटर्स पास कर दूंगा। तो पैरामीटर का नाम मैं कुछ भी रख सकता हूँ, और मैं जितने जाऊँ उतने पैरामीटर्स रख सकता हूँ, तो यहाँ पर मैं काफी सारे पैरामीटर्स रख सकता हूँ, तो आप देख सकते हो। तो यहाँ पर मैं सी ई कर देता हूँ, तो यहाँ पर मैंने एक ए बी सी डी एफ डी काफी सारे पैरामीटर्स दे दिए हैं। यहाँ पर ये इतने पैरामीटर्स नहीं लेगा, ये सिर्फ दो पैरामीटर लेगा जो होंगे दो नंबर। तो यहाँ पर इसका नाम है ए बी के बदले रख दूंगा नम वन और नम टू, तो आप जो जाओ पैरामीटर का नाम रख सकते हो, और ये रिटर्न क्या करेगा नम वन प्लस नम टू। तो इसे मैं अब क्या करता हूँ फंक्शन को कॉल करता हूँ,
तो मैं सीधा इस फंक्शन को प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर अगर कॉल करूं और तो ये इसका जो भी रिजल्ट होगा वो नीचे प्रिंट हो जाएगा क्योंकि ये रिटर्न कर रहा है, कुछ प्रिंट नहीं कर रहा। तो आपको दिखाता हूँ, ये कह रहा है मिसिंग टू रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्गुमेंट्स। ये देखो मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, यहाँ पर मुझे एक एरर आ गया, एड मिस, मतलब एड हमारा क्या है, एड हमारा ये फंक्शन है जो ये कह रहा है मिसिंग टू रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स। इसका क्या मतलब, यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि ये फंक्शन दो नंबर ले रहा है मेरे से, दो पैरामीटर ले रहा है मेरे से। तो यहाँ पर देखो जब मैं इसके ऊपर होवर कर रहा हूँ तो यहाँ पर भी आ गया पैरामीटर। तो मैंने कहा कि ये फंक्शन मेरे से दो पैरामीटर लेगा और उन्हें प्रोसेस करके मुझे कुछ रिटर्न करेगा। ये कह रहा है कि आपका फंक्शन ना दो चीजें, दो नंबर कह लो या कुछ, दो पैरामीटर्स मांग रहा है जो है नंबर वन एंड नंबर टू, और आपने वो दिए नहीं है तो तभी ये मुझे क्या कहते हैं एरर आ रहा है। तो यहाँ पर अगर मैं इसके अंदर कोई पैरामीटर नहीं दूंगा तो यार इसे मतलब और इस फंक्शन को कॉल करूंगा तो इस एरर आएगा ही आएगा, क्योंकि फंक्शन कहेगा मैं पागल नहीं बैठा हूं भाई, कुछ तो दे मैं, मतलब क्या करूं अगर मैं सीधा आपको बुला लूं और आप मेरे, मैंने आपको कॉल किया और आप मेरे पास आ गए हो और मैंने आपको कुछ बोला ही नहीं, आप बस बोल रहे हो हाँ भाई क्या करूं क्या करूं और मैं चुप करके खड़ा हुआ हूं, तो आप भी यार एक बार गुस्सा हो जाओगे कि यार बुलाया ही क्यों था अगर कुछ बोलना ही नहीं था। वैसे ये फंक्शन कह रहा है कि यार मतलब तूने मुझे बुलाया तो है पर जो तूने मतलब कुछ काम देना है तो वो काम तो दे, तो वो मैं काम क्या देना चाहता हूँ, उसे मैं दो नंबर देना चाहता हूँ जिसे ये प्रोसेस कर गया। तो यहाँ पर मैं कहूँगा टू टू, और टू और टू क्या हो गया मतलब इन दोनों को प्लस करके ये देगा, तो यहाँ पर टू प्लस टू कितने हो गए फोर, तो ये मुझे फोर रिटर्न कर रहा है। तो देख सकते हो यार ये होते हैं पैरामीटर्स, कैसे हम पास कर सकते हैं फंक्शन के अंदर, और आशा करता हूँ काफी अच्छे से आपको समझ आए होंगे पैरामीटर्स फंक्शन के अंदर। तो मैं आपको एक और चीज दिखाता हूँ, डिफॉल्ट पैरामीटर्स। अब देखो जब मैं इस फंक्शन के अंदर पैरामीटर नहीं पास कर रहा हूँ तो मुझे एरर आ रहा है, ये कह रहा है कि भाई तूने मुझे बुलाया है और तूने मुझे काम भी नहीं दिया है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इस फंक्शन को बुलाऊंगा, अगर मैं इसे कुछ काम नहीं दूंगा तो इसे पता होगा कि वो क्या काम इसने करना है। मतलब कुछ समझ ही नहीं आया यार, ये क्या बात करती है, अगर समझ आ गया तो अच्छी बात है। तो मतलब आप समझ लो कि मैंने आपको बुलाया है, मैंने आपको, आप फंक्शन हो और मैं मतलब पाइथन डेवलपर हूँ, मैंने आपको मतलब मैंने एक फंक्शन बनाया जो आप हो और मैंने आपको बुला लिया, जैसे मैंने आपको कॉल किया और आप आ गए और आपने आए और मैंने कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं दिया, पर आपको पता है कि मैंने मतलब आपको पहले से ही पता है कि मैंने किस चीज के लिए आपको बुलाया, तो बस आप वो आके वो काम करके आप चले गए। तो वैसे हम ऐसे ही एक फंक्शन बनाएंगे, तो इसी कहते हैं हम मतलब ऐसी हम बनाते हैं एक डिफॉल्ट मतलब पैरामीटर्स होते हैं। डिफॉल्ट पैरामीटर्स मतलब हम इसे पहले से ही कुछ पैरामीटर्स दे देंगे, तो अगर हम इसे कॉल करने वक्त कुछ पैरामीटर्स नहीं पास करेंगे तो ये उन्हीं पैरामीटर्स को प्रोसेस कर लेगा। तो डिफॉल्ट पैरामीटर्स कैसे देने हैं, तो यहाँ पर मैं एक और एड फंक का फंक्शन बनाता हूँ, मैं कहूंगा एड फंक नाम का मैंने फंक्शन बनाया जो लेगा जो दो नंबर लेगा, ठीक है, जो दो नंबर लेगा ही लेगा। और अब इसमें मैं डिफॉल्ट पैरामीटर्स नहीं ऐड कर रहा हूँ, अभी मैं सिंपल जैसे ये वाला फंक्शन था वैसे ही बना रहा हूँ। तो यहाँ पर ये क्या करेगा, नंबर प्लस नम टू रिटर्न करेगा और इसे यहाँ पर ये प्रिंट करेगा, प्रिंट रहने। तो यहाँ पर मैं सिंपली इसे कॉल करके दिखाता हूँ आपको, मैं कहूँगा एड फंक, जैसे कॉल किया अब ये दो पैरामीटर्स भी ले रहा है ना, तो ये मुझे एरर दे देगा, ये कहेगा आपने दो पैरामीटर्स नहीं दिए, मतलब आपने मुझे बुला तो लिया पर आपने कुछ काम नहीं बताया तो मैं आपसे गुस्सा हो गया हूँ तभी मैंने एरर थ्रो किया, ऐसा समझ लो। तो अब मैं चाहता हूँ कि मैं इसे बुला भी लूँ, मतलब मैं इसे कॉल करूँ पर मैं इसे पैरामीटर्स नहीं देना चाहता, तो उस चक्कर में और मैं मुझे एरर भी ना आए, तो उस चक्कर में मैं डिफॉल्ट पैरामीटर्स दे सकता हूँ। तो डिफॉल्ट पैरामीटर्स कैसे देना है, तो आप पहले से ही कुछ पैरामीटर्स की वैल्यू सेट करके रख देते हो। तो अब मैं डिफॉल्ट पैरामीटर्स इनका क्या कर देता हूँ, मैं कहूँगा दोनों की वैल्यू है जीरो। तो मतलब अगर अब मैं इन्हें कॉल भी कर रहा हूँ ना और इन्हें मैं कुछ दे भी नहीं रहा, कुछ पैरामीटर्स भी नहीं दे रहा फंक्शन को, अब ये मुझे एरर नहीं रिटर्न करेगा। अब ये कह रहे हैं इस नॉट डिफाइंड एड फंक, तो यार ये पता नहीं क्यों आउटपुट वाले कभी कभी ऐसा कर देता है, वैसे तो ये डिफाइन ही है और ये ऊपर वाला ओके इससे मैं करता हूँ। तो अभी यार देखो मैं इसे सिर्फ कॉल कर रहा हूँ तो अभी मुझे कुछ रिटर्न नहीं कर रहा, तो यहाँ पर इसे मैं रन करता हूँ, अब देखो यार कुछ नहीं, और ये कह रहा है एड फंक। अब यार मुझे इसे टर्मिनल के अंदर ऐसा करते हैं, इसे मैं रन कर लेता हूँ, तो यार पता नहीं कि वो ये आउटपुट वाली जो मैंने एक्सटेंशन मतलब इंस्टॉल करवाई थी आपको कोड रनर वो सही से नहीं चल रही, तो मैं कहूँगा python.slash#22 और ये function.py। तो देखो इसे मैंने रन किया, कोई एरर नहीं आ रहा, ठीक है, और यहाँ पर मुझे आउटपुट में तब भी जब मैं इसे कॉल कर रहा हूँ तो तब भी कोई एरर आ ही जा रहा है, पता नहीं क्यों, नहीं अभी भी इसमें एरर नहीं आया। तो अभी हम आउटपुट वाली इसमें ही कर लेंगे, कोड रनर वाली एक्सटेंशन में, वो ज्यादा सही लगता है मुझे। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं आपको दिखाता हूँ, अब मैं यहाँ पर देखो ये रिटर्न कर रहा है ना मुझे ये फंक्शन, तो इसे मैं प्रिंट करके दिखाता हूँ और मैंने इसके अंदर कोई भी पैरामीटर्स नहीं दिए हैं, तो यहाँ पर मैं इसे प्रिंट करके दिखाता हूँ। तो अब मैं इसे क्या कहते हैं इस कोड को रन करूँ, तो देखो ये मुझे जीरो रिटर्न कर रहा है, जीरो क्यों रिटर्न कर रहा है, मैंने पहली बात तो इसे कोई
पैरामीटर्स दिए ही नहीं, तो इसने क्या किया, जो डिफॉल्ट पैरामीटर की वैल्यू थी उन्हें प्रोसेस कर दिया। ठीक है, तो गाइस यार यही थे कि आप पैरामीटर्स कैसे पास कर सकते हो। अब जरूरी नहीं है कि यहाँ पर मैंने num1 दिया है तो num1 का मतलब यहाँ पर तो मैंने इक्वल टू जीरो दिया हुआ है, तो यहाँ पर जो मैं ये पैरामीटर पास कर रहा हूँ तो ये जरूरी नहीं है कि ये पैरामीटर यहाँ पर, अगर मैंने इसका नाम num1 num2 रख दिया तो ये नंबर ही लेगा, ऐसा जरूरी नहीं है। अगर मैं यहाँ पर एड को क्या कहते हैं इस एड वाले फंक्शन को रन करूं और यहाँ पर स्ट्रिंग पास कर दूं, यहाँ पर स्ट्रिंग पास कर दूं, मैंने यहाँ पर हेलो वर्ड और यहाँ पर मैं कह दूंगा हेलो वर्ड खतरनाक, कुछ ऐसे ही करते हैं खतरनाक नहीं, तो हेलो वर्ड और यहाँ पर लिख देता हूँ मैं सलमान खान, मतलब सलमान भाई, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा सलमान भाई सलमान खान। तो देखते हैं अब इस फाइल को रन करता हूँ, तो देखो यार अब ये कह रहा है हेलो वर्ड सलमान खान, तो मतलब यार ये वो, अगर मैंने यहाँ पर नंबर नंबर टू दे दिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि यार इस यहाँ पर मैं नंबर ही दूंगा, यहाँ पर मैं क्या कहते हैं कुछ इंटीजर वैल्यू भी पास कर सकता हूँ। बस ये बस वो आपको चेक करना है कि यार देखो आप फंक्शन बना रहे हो, आपको पता होगा कि इसके अंदर आप कौन सी वैल्यू पास कर रहे हो, तो यार आप देख लेना, पर तब भी यार काफी चीजें हमने देखी इस फंक्शन के बारे में। तो गाइस यार और अगर आपको ये फंक्शन वगैरह समझ आए हैं तो यार काफी अच्छी बात है, और अगर आप इस कोर्स का हिस्सा बनना चाहते हो तो यार प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और इस प्लेलिस्ट को एक्सेस करना मत भूलना। तो गाइस यार आज के इस वीडियो के अंदर इतना ही, और यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना प्लीज। तो यार चलते हैं यार, मतलब सॉरी चलते नहीं, तो गाइस यार आज के इस वीडियो के अंदर इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।